तो गाइस आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट। हाँ वैसे वो तो हम हमेशा खेलते हैं, बट चेस्ट गिव्स ओपी आइटम। हाँ यानी इस वर्ल्ड में जितनी भी चेस्ट होंगी वो सब देंगे हमें खजाना, और उस खजाने को लूटने के बाद हमें मारना है एंडर ड्रैगन को। तो चलो जल्दी से सारे खजाने को लूटते हैं और धोबी पछाड़ दे के आते हैं उस एंडर ड्रैगन को। ओके गाइस तो आ गए अपने नए वर्ल्ड में, और अब जल्दी से हमें चेस्ट ढूंढनी है। ये सीड कहाँ से आया मेरे पास? फालतू की चीज पहले आया थे, लेकिन अच्छा सामान कभी नहीं आएगा। और एक सेकंड, ओ भाई अभी तो हम जंगल बायोम में, मैं तो विलेज ढूंढने की बात कर रहा था जहाँ से चेस्ट मिल जाए। अब तो विलेज ढूंढने में और ज्यादा टाइम लगेगा। चलो यहाँ से सबसे पहले पेड़ तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बना लेते हैं प्लैंक्स, और उससे बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स, और ये बना ली एक पिकेक्स, एक एक्स, और डिशुम, और डिशुम, और इसको भी डिशुम 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 डिशुम। अरे मर जा, मर ही नहीं रही है ये। अरे भाई हाँ मर गई मर गई। और आगे शीप्स भी दिख रहे हैं मुझे, अब इनसे बेड भी बना लूंगा। चलो ऐसे थोड़ा सा स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे स्टोन के टूल्स बना सकें। अब ये पानी कहाँ से आ जाता है? अब नीचे से स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से अभी स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये बना ली एक स्टोन की पिकेक्स, और एक बना लेते फर्नेस, और एक स्टोन की एक्स। अभी हम जंगल के बीचों बीच है, और अब हमें ढूंढना है एक विलेज। तो किस साइड जाना चाहिए इस जंगल से निकलने के लिए? एक सेकंड, मुझे एक ट्रिक आती है इस जंगल से निकलने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैं अभी सोचता हूँ। सोच लिया, चलो अब करते हैं उस ट्रिक को। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में चोर निकल के भागा। ओके तो इस साइड जाना है, इस साइड पक्का कोई ना कोई विलेज होगा। Is this the power of a god? तो चलो इस साइड ही जाना है, इस साइड जल्दी से जाते हैं और फिर विलेज को ढूंढते हैं। गाइस चलते चलते रात हो गई, लेकिन फाइनली मुझे एक प्लेन जगह मिल गई। अब जल्दी से एक विलेज भी मिल ही जाएगा, मैंने बोला था ना मेरी ट्रिक बढ़िया है। 3 days later और मुझे अपने सामने एक विलेज दिख रहा है क्या? काश विलेज ही हो, काश। यस विलेज ही है। भाई फाइनली विलेज मिल गया, मैं इतनी देर से चल रहा हूँ। अब इस घर के अंदर बस चेस्ट मिल जाए, जल्दी से एक चेस्ट मिल जाए। और यस चेस्ट भी रखी है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या सामान निकलेगा? सो गाइस अब मैं खोलने वाला हूँ अपनी पहली चेस्ट इस वर्ल्ड में, और पता नहीं इसके अंदर क्या रखा होगा, कुछ तगड़ा ही होना चाहिए। 64 नेदरराइट इंगट, 64 गोल्ड, और एक नेदरराइट के बूट्स भी है, टोटम ऑफ अंडाइंग, और इतने सारा सामान। भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना ज्यादा तगड़ा सामान रखा होगा इसके अंदर। ये मेरे पास स्टोन के टूल्स कहाँ से आ गए? मैं तो नेदरराइट के टूल्स ही यूज करता हूँ, बस हटाओ इनको। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जितना बताते हो मेरे बारे में तो। और अब अपने पहले से नेदरराइट के बूट्स, और देखो अब कितना चमक रहा हूँ। और एक बार इस नेदरराइट की शवल को भी ट्राय करते हैं, इस पर एन्चेंटमेंट लगी हुई है। ओ भाई इतनी स्पीड से डर्ट उठा रहा है, ये तो बहुत तेज निकला। और इस घर के अंदर भी चेस्ट रखी हो काश, एक और चेस्ट। नहीं है यार ये कैसा विलेज है, पूरे विलेज में बस दो ही घर देखे और उसमें से बस एक ही चेस्ट मिली, ये कोई विलेज है? अब कोई ऐसा विलेज मिल जाए जिसके अंदर बहुत सारी चेस्ट रखी हो। और चलो एक चीज ट्राई करके देखते हैं, इतनी ऊंची जगह से जंप लगा के देखते हैं, और क्या पता बूट्स की फेदर फॉलिंग हमें बचा ले। तो ये लगाई जंप, ओ भाई बस हाफ हर्ट का डैमेज मिला इतनी ऊंची जगह से जंप लगाने के बाद, ये बूट्स भी तगड़े निकले। एंड गाइस मुझे यहाँ पे एक केव मिल गई, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जाके ग्रेवल ले आऊं, जिससे मैं एक फ्लिंट एंड स्टील बना के नेदर में ही चला जाऊं। चलो यहाँ से थोड़ा सा कोल भी कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई क्या ही स्पीड से चल रही है पिकेक्स, और ये मुझे सामने क्या दिखाई दे रहा है? ओहो डायमंड्स, पर कभी भी मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में मुझे डायमंड ही नहीं मिलते। तो चलो यहीं पे मिल गए मुझे ग्रेवल, इसी से फ्लिंट ले लेते हैं। अरे मुझे अभी याद आया मेरे पास डायमंड और नेदरराइट तो है, तो अपना पूरा नेदरराइट का आर्मर ही बना लेता हूँ। तो ये बना ली डायमंड की चेस्ट प्लेट, और ये बना ली लेगिंग्स, और ये गया हेलमेट। चलो एक डायमंड की एक्स और बना लेता हूँ, और पूरी डायमंड की चीजों को अपग्रेड कर लेता हूँ नेदरराइट के अंदर। और देखो गाइस आयरन के आर्मर से पहले मुझ पर नेदरराइट का आर्मर आ गया, किसी के पास आता है क्या इतनी जल्दी? और गाइस क्या ये डेजर्ट बायोम है, जहाँ से हमें डेजर्ट टेम्पल मिल जाएगा जिसके अंदर चेस्ट होती है, और डेजर्ट विलेज भी मिल सकता है उसके अंदर भी बहुत सारी चेस्ट होती है। क्या ये डेजर्ट बायोम है? एक सेकंड ये क्या है? अब गाइस इस दुनिया से मेरा भरोसा उठ चुका है, यहाँ पे मुझे एक भी विलेज नहीं मिल रहा है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या पता इस बड़े समुद्र के दूसरी पार हो कोई बढ़िया सा विलेज। गाइस तो इतना बड़ा ओशियन था, मैं क्या ही बताऊँ,
अब फाइनली आ गए हम ओशियन की दूसरी साइड और अब बना लेता हूँ अपना पहला बेड और सो जाते हैं। ओ भाई यहाँ पे पंपकिन रखी है, मतलब फाइनली मैं विलेज के आसपास के एरिया पे आ गया। अब यहीं कहीं एक विलेज भी होगा, जल्दी से विलेज को ढूंढ लेता हूँ। भाई इतनी देर बाद मिल रहा है ये विलेज। और गाइस क्या मुझे अपने सामने विलेज दिखाए, एक सेकंड, यस ये एक विलेज है फाइनली। भाई इसमें इतने सारे घर भी हैं, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, अब फाइनली मिला है मुझे विलेज। इस विलेज में बस थोड़ी सी चेस्ट और मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाए। इस घर के अंदर चेस्ट है क्या? यस इस घर के अंदर भी चेस्ट है। उसके अंदर क्या रखा है? ओ गाइस इसके अंदर तो रखे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, इतने ज्यादा रेयर होते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। इस घर के अंदर भी चेस्ट रखी है, उसके अंदर क्या रखा है? एमराल्ड के ब्लॉक, वो भी 64। चलो भाई इनको तो जल्दी से ले लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ नेदर पोर्टल बना के नेदर में चला जाऊं और वहां से ब्लेजर लेके आ जाऊं। तो यहां पे बना लेता हूं अपना नेदर पोर्टल और इसको कर देता हूं लाइट और अब चलते हैं नेदर के अंदर। अब नेदर में तो आ गए, अब जल्दी से ढूंढ लेता हूं एक नेदर फोर्ट्रेस। एक सेकंड ये क्या है भाई? ये देखो ये क्या मेरा नेदर पोर्टल और यहाँ से थोड़ा सा ही दूर ये क्या अपना नेदर फोर्ट्रेस। भाई इतना पास मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है। अरे मुझे अभी याद आया नेदर फोर्ट्रेस में भी तो चेस्ट मिलती है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा सामान रखा ही होगा। इसके अंदर क्या रखा है? इंचेंटेड गोल्डन एप्पल बो। यस मैं इतनी देर से सोच रहा था भाई बो नहीं मिला अभी तक, चलो बो भी मिल गया, इससे एंडर ड्रैगन को बहुत इजीली मार देंगे। और विद द स्केलेटन भी मिल गया, चलो इसको मार के विद द स्केलेटन स्कल भी कलेक्ट कर लेते हैं। आजा विद द स्केलेटन और ये मारी सॉर्ड और एक ही बारी में इसने ड्रॉप कर दे विद द स्केलेटन का स्कल। और यहाँ पे ब्लेसेस भी मिल गए तो इनको मार देता हूँ और देखो कितनी सारी ब्लेस रॉड दे दी इन्हें। और एक विद द स्केलेटन स्कल भी मिल गया और इस विद द स्केलेटन को भी मार देता हूँ और उससे भी स्कल ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक और चेस्ट मिल गई और इसके अंदर क्या रखा हुआ है भाई साहब? इलाइट्रा। भाई पटाखे तो इतनी सारी चेस्ट मिल गई लेकिन फाइनली अब इलाइट्रा भी मिल गया। और चलो एक और चेस्ट मिल गई और इसमें एंडर आई रखी हुई है। भाई मैं इतनी देर से सोच रहा था कि इतने सारे ब्लेज रॉड हैं तो एंडर पल भी मिल जाए या फिर एंडर आई मिल जाए और फाइनली एंडर आई भी मिल गई। और एक और विद स्केलेटन मिल गया, इसको मारा और इससे स्कल भी मिल गया तो फाइनली तीन विद स्केलेटन के स्कल भी हो गए। अब वापस चलते ओवरवर्ल्ड। अब मैं ड्रैगन के पास जाने से पहले इन विलेजरों को कुछ दे जाता हूँ। तो ये यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ एमराल्ड के ब्लॉक, इनके आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां इन एमराल्ड ब्लॉक से अपना काम संभाल लेंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, इतना दान तो मैं करता रहता हूँ। अब फेंक लेता हूँ आई ऑफ एंडर और किस साइड? चलो इस साइड जाना है मुझे और उसी साइड स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाएगा तो अब तो उड़ के चलते हैं ना, इलाइट्रा भी मिल गया अपना। गाइस इतनी देर से मुझे एंडर पर्ल घुमाई जा रही, शायद पानी के नीचे ही है स्ट्रॉन्ग होल्ड, चेक कर लेता हूँ। भाई इतनी तेज पिकैक्स माइन कर रही, पता भी नहीं चलेगा कब स्ट्रॉन्ग होल्ड निकल गया। वो चलो फाइनली आ गए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, अब पोर्टल रूम और ढूंढना है बस। अब पता नहीं कहाँ छुपके बैठा होगा पोर्टल रूम। वो चलो पोर्टल रूम भी मिल गया, अब चलते एंड वर्ल्ड में। तो यहाँ पे लगा देते आई ऑफ एंडर। ओ भाई एकदम एग्जैक्ट आई ऑफ एंडर थी मेरे पास। और खा लेते हैं एक गोल्डन एप्पल और लगा देते हैं जंप एंडर पोर्टल में। और ये कहाँ पे है? एक सेकंड भाई ऐसा क्यों लग रहा है गिरा? ओ भाई मैं यहाँ तो गिर रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। चलो वो तो अच्छा इलाइट्रा है, अभी ये क्या हो रहा था अभी मेरे साथ, मुझे लगा मैं गिर रहा हूँ। चलो भाई बाल बाल बचा। और यहाँ से फोड़ देता हूँ ये एंड क्रिस्टल और ये वाला भी गया। अब एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल फोड़ देता हूँ। ये वाला फोड़ दिया, ये वाला भी गया और ऐसे ये भी गया। अब बस एंडर ड्रैगन की बारी है, जल्दी से एंडर ड्रैगन आ जाए और उसका काम तमाम कर देता हूँ। अरे एक बार ट्राई करता हूँ ना इस बो से कितना डैमेज पहुंचेगा उसको, तो एरो मार के देखता हूँ। और भाई इतना ज्यादा डैमेज, ये बो तो भाई बहुत तगड़े निकले। चलो नीचे भी आने वाला, ये नीचे भी आने वाला और ये मारी शॉट और अरे पीछे फेंक रहा है ये तो, और ये मारा उसको। और भाई इतनी कम हेल्थ हो गई उसकी एक ही बारी में, मैंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं, एक शॉट मारी। और आजा आजा एंडर ड्रैगन, ये ले ये भी ले। और चलो गाइस फाइनली एंडर ड्रैगन को मार देती आसानी से, मुझसे पंगा ले रहा था एंडर ड्रैगन। अब ऐसा करता हूँ एक प्लेन जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे उस वेदर को स्पॉन करा सकूँ और वहीं पे उसका काम तमाम कर दूंगा। अरे एक सेकंड भाई मैं नेदर से सोल सैंड लाना तो भूले गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी मुझ पे एक ट्रिक है तो अभी उसके लिए एक मंत्र पढ़ता हूँ। अंतर मंत्र जंतर सोल सैंड, जल्दी से आजा मेरे पास। देखा ना आ गई मुझ पे इतनी आसानी से सोल सैंड। यहाँ पे लगा देता हूँ सारी सोल सैंड और उसके ऊपर रख देता हूँ स्कल और ये वेदर स्पॉन होना शुरू हो गया। बस अब इसको मारना ही है और ये धमाका करने लग गया। अबे नीचे आजा, सॉल्ट लग जाएगी तुझमें एक। ये मारा बो। अभी एक सेकंड, इसकी इतनी कम हेल्थ कैसे हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। एक सेकंड क्या ये खत्म भी हो गया? अबे भाई इसने तो मुझे अपने आप को मारने का मौका तक नहीं दिया, ये तो इतनी जल्दी मर गया। और हाँ गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना वरना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।